हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियरपुर। और आज हम बात करने वाले हैं फिगर काउंटिंग चैप्टर पर। फिगर काउंटिंग में आज हम बात करेंगे ट्रायंगल काउंटिंग पर, कैसे हम ट्रायंगल को काउंट करेंगे। हमारे एग्जाम में ट्रायंगल के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और कई प्रकार के डायग्राम हमें देता है और उसमें हमें निकालना होता है कि कितने ट्रायंगल हैं, काउंट करने पड़ते हैं। तो देखिए, ट्रायंगल की काउंट करने की एक बेसिक ट्रिक होती है, उनको हम कैसे, जैसा डायग्राम होगा मैं केवल 2 सेकंड में उन क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे यहाँ पर उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक, कैसे उनको सॉल्व करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, उस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा, तो कुछ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फिगर नंबर 1 दिया हुआ है, कुछ इस टाइप से दिया हुआ है। एक स्क्वायर के अंदर कुछ लाइन कैसी बनी हुई है और पूछ रहा है कि आपसे इसमें कितने ट्रायंगल हैं। देखिए, जब भी आपको इस टाइप का डायग्राम आपको मिलेगा तो आपको बेसिक करना क्या है, अगर मैं आपसे सिंपल सा ध्यान देखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस डायग्राम में कितने ट्रायंगल हैं, इस डायग्राम में कितने ट्रायंगल हैं, तो आप क्या बताएंगे, 1 और 2, 1 और 2 ट्रायंगल हैं। इसमें इस वाले में कितने, इस डायग्राम में कितने ट्रायंगल हैं, केवल 2 डायग्राम में 2 ट्रायंगल हैं। इसमें बात करेंगे, यहां पर देखेंगे 1, 2, 3, 4, यहां पर देखेंगे तो टोटल कितने हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4 हो रहे हैं। बट याद रखिएगा, जब भी 4 ट्रायंगल होंगे तो हमारे कितने निकल, 2 निकलते थे। तो हमेशा क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या होगी उसमें हम 2 का मल्टीपल कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और निकलेंगे कितने, टोटल 8। तो इस डायग्राम में ट्रायंगल संख्या कितनी आ गई, 8 आ गई। ओके, इसके बाद देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन, देखेंगे सेकेंड डायग्राम, दूसरा डायग्राम देखेंगे आपकी स्क्रीन पर। जो क्वेश्चन दिया गया है वो कुछ इस टाइप से बना हुआ है, कुछ इस टाइप से डायग्राम बना हुआ है, पूछ रहा है इसमें कितने ट्रायंगल हैं। अब देखिए, यहां पर क्या था, उसमें 4 बने थे, अब इसमें कितने काउंट करने पड़ेंगे, कितने हैं, देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 हुए ना। तो सबसे देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 8। बस मल्टीपल कितना करना है हमें, 2 करना है, मल्टीप्लाई करना है 2, कितने आ गए हमारे टोटल, 8 × 2 = 16। इसमें कितने ट्रायंगल है, इसमें टोटल 16 ट्रायंगल है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद एक जो एक डायग्राम थर्ड देखेंगे, फिगर नंबर थर्ड देखेंगे आप लोग, कुछ इस टाइप से बना हुआ है, यहां पर कुछ इस टाइप से बनाया हुआ है और पूछा है कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं। तो जरा आप काउंट करके बताइए कितने ट्रायंगल इसमें, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर करेंगे कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं, इसके अंदर आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में करें। तो देखिएगा इसमें ट्रायंगलों की संख्या, अगर इसमें ट्रायंगल देखेंगे, देखिए यहां पर क्या है कि 1, 2, 3 और 4 ये तो वो निकले थे, 8 इससे कितने निकलते थे, इससे 8 निकलते थे, इससे आपको निकलना है 8 और इस वाले ट्रायंगल से देखेंगे 1, 2, 3 और 4 इससे कितना निकल रहा है, 8। तो टोटल भी 8 और 8 कितना हो गया, 16। टोटल निकल भी कितने निकले हैं, 16। बट मैंने क्या किया है, जब भी जितने डायग्राम्स हमारे होते हैं ट्रायंगल फाइंड आउट करने वाले, उसमें सबसे पहले हम लोग काउंट करते हैं छोटे ट्रायंगल कितने हैं। ओके, इसके बाद हम लोग काउंट करते हैं बड़े ट्रायंगलों को। तो यहां पर हम छोटे ट्रायंगल तो काउंट कर चुके हैं, अब बड़े ट्रायंगलों की बात आई, तो देखोगे देखोगे कि ऐसा और एक ऐसा ये बन रहा है, दूसरा देखोगे एक ये और ये मिल रहा है, तो दो बड़े ट्रायंगल मिल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो इनके दो पॉइंट होते हैं, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इन दो पॉइंट, ये दो पॉइंट होते हैं, हमें दो ट्रायंगल बना के देते हैं। तो हम क्या करेंगे, +2 कर देंगे, कितने आ गए हमारे टोटल, 18। इसमें कितने बनेंगे टोटल हमारे, 18 ट्रायंगल बनेंगे। तो इस डायग्राम में टोटल हमारे बन रहे हैं 18 ट्रायंगल। ओके, तो फिगर नंबर थर्ड देखेंगे जरा, तो फिगर नंबर थर्ड में कुछ ऐसा बना हुआ है, कुछ ट्रायंगलों की संख्या ज्यादा दे दी गई है, कुछ इस टाइप से बना के दे दिया आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कुछ ऐसा डायग्राम बना हुआ है, अब इसे पूछ रहा है इसमें कितने ट्रायंगल हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता है ये जो ट्रायंगल है ये, तो 1, 2, 3 और 4 ये आपको निकाल कितने दे रहा है, 8। इसके बाद ये देखेंगे ये आपको कितने देगा, 8, और ये कितने आपको देगा, ये भी आपको देगा निकाल के 8। तो आपको जो तीन जो डायग्राम बने थे, 1, 2 और 3, इन्होंने आपको 8 निकाल के दे दिए। टोटल कितने हो गए देखेंगे, 8 + 8 + 8 24। अभी 24 हुए हैं, बट अभी ये जो आपने काउंट किया 24, ये जो है ये छोटे ट्रायंगल हैं, अभी आपको काउंट करने हैं बड़े ट्रायंगल। तो देखो कि आप ये जो ट्रायंगल हैं ये काउंट, इनके हम क्या काउंट करेंगे, पॉइंट्स काउंट करेंगे। तो देखेंगे पहला पॉइंट्स एक ये और एक ये, 2 ये मिले हमें, +1 ये और एक ये मिले, मतलब 2 और 2 = 4 पॉइंट्स मिल गए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 24 + 4 कर देंगे, इक्वल टू कितना आएगा, 28। तो इस वाले डायग्राम में आंसर कितना होगा मेरा, 28 होगा। ओके,
तो इसका आंसर मेरा 28 होगा। चलिए आगे देखते हैं आप लोग। स्टार्ट जब भी आपके अंदर क्वेश्चन में स्क्वायर के अंदर अगर ट्रायंगल मिलता है तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से इसको फाइंड आउट करते हैं। ये ट्रिक समझ आप लोगों को आ गई। चलिए अब हम नेक्स्ट ट्रिक पर आते हैं। हम लोग देखिएगा, अब नेक्स्ट ट्रिक पर देखते हैं हम लोग। ओके देखिएगा, अच्छा आपको आपसे पूछे कि बताइए इस पे कितने ट्रायंगल है इसमें, तो सिंपल सा आंसर हमारा होगा कितना, वन ट्रायंगल। इसमें कितने ट्रायंगल, केवल वन ट्रायंगल है। ओके नेक्स्ट देखिएगा, अगर मैं इसमें कर दूं कुछ इस टाइप से और एक ऑनलाइन खींच दूं मैं, अब पूछे आपसे अब बताइए कितने ट्रायंगल हैं, तो आप क्या काउंट करोगे, वन और टू। तो वन प्लस टू इक्वल टू कितना हो गया, तीन हो गया। बात समझ में आ गई। अब देखिए यहां पर मैंने क्या बताया कि जब आपने एक ट्रायंगल देखा कि केवल एक ट्रायंगल दिख रहा था, इसके बाद मैंने क्या किया कि एक लाइन बीच से एक लाइन खींच दी, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। जब दो पार्ट में डिवाइड किया तो आपके मन में क्या नहीं, यहां तो दो ट्रायंगल निकलने चाहिए थे, दो ट्रायंगल निकलने चाहिए थे। जी हाँ, दो ट्रायंगल निकलेंगे, बट मैंने क्या बताया कि जब भी आपको कैसा भी डायग्राम दिया जाए, आपको ट्रायंगल फाइंड आउट करना होगा, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल फाइंड आउट करते हैं छोटे ट्रायंगल। ओके अगर इस डायग्राम में देखोगे आप तो छोटा ट्रायंगल क्या है, केवल एक ही तो बन रहा है ना, बट यहां पर देखोगे तो देखोगे एक ये निकल रहा है और एक ये निकल रहा है, बट एक बड़ा भी तो बन रहा है डायग्राम, बड़ा भी ट्रायंगल है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटे ट्रायंगल को काउंट करते हैं, इसके बाद हम लोग काउंट करते हैं बड़े ट्रायंगल को। तो हमारे कितने निकले, तीन निकले। अब देखो इसके बाद आपको कुछ भी दे दी, इसी देख लेते हम लोग। अगर उसने क्या किया, कुछ इस टाइप से आपको लाइन खींच के दे दी, यहां पे दे दी, आप पूछ रहे हैं आपसे बताइए इसमें कितने ट्रायंगल है, तो सिंपल सी बात है आपको क्या करना है, यहां पर देखो एक और दो, तो सबसे पहले आप छोटे ट्रायंगल काउंट कर रहे थे ना, तो हम लोग भी क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर छोटे ट्रायंगल ही काउंट करेंगे, जो कि निकलेगा एक दो तीन और चार। अब यहां पर चार निकला है, अब हम सोचेंगे बड़ा ट्रायंगल कैसे काउंट करें, तो बड़े बहुत बन रहे, तो कुछ भी नहीं करना आपको, आपको क्या करना, हमने यहां किया था वन प्लस टू किया था ना, तो आपको क्या करना होगा, जितने भी छोटे ट्रायंगल है सबको एक साथ ऐड कर देना है। क्या करना है, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर इक्वल टू कितना जाएगा, चार तीन सात तीन दस। तो इसमें कितने ट्रायंगल है, इसमें टोटल दस ट्रायंगल है। बात समझ में आ गई। अब देखिए अब इसके बाद आपको डायग्राम वो कैसा भी दे दे, जैसे देखेंगे देखेंगे नेक्स्ट, इससे अगर ज्यादा लाइन खींच के आपको दे दे, ठीक है, इससे ज्यादा लाइन दे दे, उसने कुछ इस टाइप से आपको दे दिया, कहा बताइए अब इसमें कितने ट्रायंगल हैं, तो आपको डायग्राम देख के घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इसकी ट्रिक तो पता है कैसे काउंट करना है। हमें सबसे पहले काउंट करना है छोटे ट्रायंगल कितने हैं, एक दो तीन चार पांच और छह, छोटे ट्रायंगल काउंट हो गए ना। अब क्या करना है आपको, जितने भी छोटे ट्रायंगल थे सबको एक साथ आपको काउंट कर देना है, टोटल ट्रायंगल के नंबर्स आपको मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स इक्वल्स टू ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा, छह पांच ग्यारह, ग्यारह एक बारह, बारह चार सोलह, सोलह पांच इक्कीस, 21। तो इसका आंसर मेरा कितना हो जाएगा, 21। इसका आंसर कितना होगा, 21। इसमें ट्रायंगल संख्या कितनी है, 21 है। यहां तक बात क्लियर हो गया, ठीक। चलिए अब क्या होगा, देखो इस टाइप से ट्रायंगल मैंने काउंट कर लिए, यहां पर अब क्या कर रहा था, वो ट्रायंगल को डिवाइड कर रहा था, इस तरह से लाइन खींच रहा था, बट अब एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन थोड़ा सा इससे चेंज करता है, जब अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके दिया है तब कैसे हम समझेंगे कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं। ओके चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट आगे। अगर देखेंगे हम लोग से कुछ टाइप से डायग्राम पूछ रहा था, ऐसे ओके, तो हम लोगों ने क्या बताया भाई, काउंट करा वन टू थ्री फोर और कितने निकल आए, टेन निकल आए थे, बट एग्जामिनर तो आपसे चला के ज्यादा, वो उसने क्या किया, उसने कुछ ऐसा कर दिया, उसने कहा अब बताइए कितने ट्रायंगल हैं, तब आपने काउंट किया, सिंपल सी बात है काउंट करेंगे हम लोग, वन टू थ्री फोर कितने निकलते थे, टेन निकलते थे। अब यहां पर देखेंगे ट्रायंगल कितने पार्ट में डिवाइड है, तो एक बड़ा वाला और एक ये छोटा वाला, दो पार्ट में डिवाइड है ना, कुछ नहीं करना आपको, आंख बंद करके क्या करना है, केवल दो का मल्टीपल का आंसर कितना हो गया हमारा, 20। कितने हो गए, 20 हो गए। अब एग्जामिनर कुछ भी इस टाइप का डायग्राम आपको देगा, अगर एग्जाम ने कहा कि कुछ ऐसा डायग्राम अगर आपको दिया जाता है, कुछ इस टाइप से दे देगा कि अब बताइए कितने ट्रायंगल है, तो यहां पर कुछ नहीं करना आपको, केवल छोटे ट्रायंगल काउंट करने, वन टू थ्री फोर, जो कि आपको देते हैं 10 ट्रायंगल। ओके कितने पार्ट में डिवाइड, देखोगे एक सबसे बड़ा ट्रायंगल, उसके बाद एक ये और एक ये, तीन पार्ट में डिवाइड है ना, तो बस करना है कि आपको क्या करना है, तीन का मल्टीपल करना है, 10 3 30। ओके तो इसमें कितने ट्रायंगल संख्या आ गई हमारी,
30 आ गई। तो इस टाइप के जब भी आपको डायग्राम मिलेंगे तो आप बड़ी आसानी से इन टाइप के क्वेश्चंस को आंसर दे सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़े और डायग्राम्स पर, कैसे किस टाइप से हमारा एग्जामिनर डायग्राम देता है। ओके तो स्क्रीन पर देखिएगा जरा क्वेश्चन, यहाँ पर देखिएगा कुछ मैंने क्वेश्चन दिए हैं आपको स्क्रीन पर। अब उसमें किस टाइप से क्वेश्चन दे रहा है एग्जामिनर ये समझेंगे हम लोग। ओके देखेंगे तो इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगर सिंपल सी बात है भाई, आपसे क्या एग्जाम पूछ रहा था कि भाई इसमें कितने ट्रायंगल हैं, आपने क्या बताया इसमें तो एक ट्रायंगल है, बट उसने क्या कहा इसी के अंदर एक और ट्रायंगल बना दिया। उसने कहा अब बताइए कितने ट्रायंगल हैं इसके अंदर। तो हमने क्या कहा है आपको कुछ नहीं करना है, केवल सबसे पहले फोकस करना है छोटे ट्रायंगल कितने बन रहे हैं, क्योंकि एक दो तीन और चार और एक बड़ा वाला, टोटल कितने बन रहे हैं इसमें, पांच बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं इसमें टोटल,